सुल्तानपुर में नहीं कम हो रही भूमाफियों की दबंगई। रंगदारी मांगने का सिलसिला नहीं हो रहा खत्म। शिवम सोनी का भी होगा डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी जैसा हाल। पंकज सिंह, नीरज सिंह और संजय सिंह और इस्तिखार ने दी धमकी। कोतवाली नगर में नहीं सुनी गई फरियाद। सुल्तानपुर में पुलिस का खौफ अपराधियों के दिल से जैसे खत्म सा हो गया है। पुलिस को अपराधी लगातार किसी न किसी घटना के जरिए चुनौती देते रहते हैं। भूमाफियों की दबंगई तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आए दिन अवैध कब्जेदारी और रंगदारी का मामला लेकर फरियादी थाना कोतवाली का चक्कर लगाते दिख जाएंगे। जितनी तेजी से पुलिस मामले को निपटाने की कोशिश करती है उससे कई ज्यादा मामले सामने आते हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सुल्तानपुर पुलिस प्रशासन भूमाफियों और दबंगों पर अंकुश लगाने में नाकाम है। ये हमारी जमीन का सौदा हुआ था। हमारा जमीन का सौदा हमारा हुआ नहीं, पंकज सिंह हमारी जमीन बिछवा रहे थे, सौदा हुआ नहीं। तो सौदा होने के पहले ही मुझसे पैसा मांग रहे थे, तो मैंने उनके कहा भैया मेरा चेक ले लो, अगर आपको विश्वास नहीं है मेरी ज़मीन आप बिछवा तो मैं आपको जो कह रहा हूँ दूंगा पैसा। तो ये क्या कहते हैं, ज़मीन न सौदा हुआ हमारा, न मुझे पैसा मिला। और उसके बाद मैंने जब इनसे चेक मांगा तो बोले भैया तुम्हारा भाई चेक तुम्हारा खो गया है, चलो मिल जाएगा दे देंगे। आजकल ऐसे करते हुए हमको लगभग 1.5-2 साल बीत गया। उसके बाद ये जा करके चेक मेरा बैंक में लगाए, बैंक वालों ने चेक वापस कर दिया। और चेक वापस करने के बाद ये प्रयागीपुर के हमारे ऊपर FIR कर दिए। एक बार फिर जमीन का मामला सामने आया जो कि थाना देहात कोतवाली के अहिमाने गांव में रहने वाले शिवम सोनी का है। शिवम सोनी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर बताया कि 2019 में अपनी जमीन को बिकवाने के बदले 3 लाख का कमीशन देने का वादा करते हुए 3 लाख का चेक बतौर गारंटी पंकज सिंह को दिया था, जो कोतवाली नगर के नारायणपुर गाँव के रहने वाले हैं। लेकिन जमीन ना बिकने की वजह से शिवम सोनी ने पंकज सिंह से अपना चेक वापस मांगना शुरू कर दिया। पंकज सिंह ने चेक के बदले शिवम सोनी को बहाना बताकर टालने लगे। चौकी से FIR करने के बाद हमें जबरदस्ती 13 तारीख को 11 बजे ये लोग जबरदस्ती आकर के इस्तिखार खान, नीरज सिंह, पंकज सिंह, कहाँ रहने वाले हैं लोग? ये इस्तिखार खान दरियापुर के हैं और नीरज सिंह, पंकज सिंह नारायणपुर के हैं। और मुझे ये भी बोले कि जो हस्र क्या कहते हैं डॉक्टर घनश्याम तिवारी का हुआ है वो तुम्हारा भी वैसे होगा अगर तुम मेरा पूरा पैसा नहीं दे दोगे। ये लोग मुझे ज़बरदस्ती उठा करके मुझसे मेरे खाते से 50,000 रुपये निकलवा लिए। शिकायत की पुलिस से आपने? जी, मैंने कोतवाली नगर 3 दिन पहले शिकायत दी थी, 13 तारीख को ही जब मेरे साथ घटना घटी तो मैंने शिकायत दी। तो नगर कोतवाल साहब से मैंने जाके 2-3 बार कहा तो साहब बिजी होने के कारण, और कल भी गए थे कल भी नहीं मिले, और फिर आज मैंने सुबह SP साहब को एक ज्ञापन दिया। अगर पुलिस समय रहते शिवम सोनी के मामले पर एक्शन नहीं लेगी तो नारायणपुर निवासी पंकज सिंह अपनी दी हुई धमकी को हकीकत में ना बदल दे। जो हाल डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी का भूमाफिया अजय नारायण सिंह ने किया था वही हाल पंकज सिंह शिवम सोनी का ना कर दे, यही खौफ शिवम सोनी को रात दिन सता रहा है। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए प्रांजलि सिंह के साथ नफीस खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।